तू संजा साहिब बाप हमारा, तू सारयां दा सांझा, किसे एक दा नहीं। सिर्फ कहिए जी वो मेरा है या बंदियां दा है, नहीं नहीं वो सब जीवां दा है। मैं ते देख के हैरान हो जाऊं, कदे कदे सुते सिद्ध डिस्कवरी चैनल वल देखो, उत्ते जिन्हां जीवां दा जो कुछ सामने आउंदा है करतब, हैरान हो जाईदा किस तरह जीव जीवां नूं खा रहे ने। वड्डे छोटियां दी खुराक बने हुए और वड्डे छोटियां नूं खा के प्रसन्न हो रहे। पता नहीं परमात्मा ने कैसा सिस्टम बनाया। ता ही मेरे गुरुदेव कहते ने, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल मैं जंत पाए अंतना भी रोजी दे, उठे हट न चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना हो वही ना को ले न दे, जिया का आहार जी खाना ए करे। आख्या जिया नू जी खा रहे, पर ये सारा प्रबंध किसने किया? परमात्मा। इसलिए तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ निध तेरे अखुट भंडारा, तेरे घर विच अखुट भंडारा। जदों जपजी साहिब पढ़ते हाँ, पातशाह कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सोए का वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। वाहिगुरु अकाल पुरख ने ऐसा प्रबंध किया। एक तो वह हर जगह पर मौजूद है, उदे भंडार स्टोर गोदाम जड़े ने हर जगह पर मौजूद, और उसने उन्हें भंडारा विच इको बारी सब कुछ पा दिता। असी चिरां तो जुगां जुगांतरां तो साढ़े वड वडेरे भी कड़ कड़ खाते रहे, असी भी खा रहे। तो गल की तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ निध तेरे अखुट भंडारा, ना मुकण वाले तेरे भंडार हैं। कढ़ी जाओ, खाई जाओ, वरती जाओ, उत्थे कोई कमी नहीं। पर जिस तू दे सो तिवते अगावे, सोई भगत तुम्हारा जियो। जिस उत्ते तू कृपा करके अपना नाम बख्श दिंदा है वह तिवत हो जाता। ता ही गुरु अमरदास जी कहते ने, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सचमुच जदों का साडा परमेश्वर तो विश्वास घट होया, असी आपो तापी विच पै गए, असी एक दूजे का गला वढ़न लई तैयार होए पए। अज इतनिया असी खाद खुराक विच मिलावटां करन लग पए, ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि साडे कोल चार पैसे ज़्यादा, साडे बच्चियां कोल कोठियां कारां हो जाण, भावें दूजियां दे बच्चे बीमार हो जाण। ना भाई, ऐसा ना करो, परमात्मा ते विश्वास रखो। जिसने सानू पैदा किया है वह रोजी भी देवे। बाणी गुरु जी तो इत्थे तक कहिंदे ने, पहलों दे तैं रिजक समाह, पिछों दे तैं जन त्योपाह। हे वाहिगुरु, तू रोजी पहला भेजता है, जीव नू जन्म पिछों दिंदा, पर ये गल जिसनू तेरी कृपा नाल समझ आ जाए, जिसनू तेरे नाम दी दात मिल जाए, वह फिर तृप्त हो जाता। सोई भगत तुम्हारा जियो, उसे नू तुहाडा भगत कहा जाता। फिर तीजे पद विच कहिंदे, सब को आसै तेरी बैठा। हे अकाल पुरख जी, सारा संसार सब को इहदे विच किसे एक दो चार दी गिणती नहीं कीती, किसे जात बरादरी दा नाम नहीं लिया,
सबको आसह तेरी ही बैठा, सब तेरी आस ला के बैठे। कटकड़े अंतर तू है उठा, तू हर कट दे अंदर वस रहे। तेनू सबना दा फिक्र है, तेनू सबना दा ध्यान है, जिथे जिथे तू जिसनू पैदा कीता। रोज आपा बाणी विच पढ़दे, सैल पत्थर में जन त्यो पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। पर ये सोझी किन्हां नू मिलदी है? मेरे माधो जी सत संगत मिले तो तरिया। जिहड़ा सतसंगत विच आ के जुड़ेगा, जिहड़ा परमात्मा दे इन्हां गुणा नू सुने समझेगा, तो जिन्हां नू फिर समझ आ जांदी। मेरे माधो जी सत संगत मिले तो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। उन्हां दे सुके होए लकड़ वर्गे मन भी हरे परे हो जांदे। ये गुरु दी संगत विच आ के गुरबाणी पढ़न ते विचारन दे नाल ये सारी सोझी प्राप्त हुंदी। तो सबको आसै तेरी ही बैठा, कट कड़े अंतर तू है उठा, सबे सांझी वाल सदाइन, तू किसे न दिसै बारह जियो। सारे ही सांझी वाल, भाव सबना दा तेरे उत्ते हक है। सारे अपना हक जताउंदे ते समझदे ने, तू किसे न दिसै बारह जियो। तू कदे भी किसे नाल कोई वितकरा नहीं करता, भाव किसे नूं तू वखरा नज़र ही नहीं आउंदा। तेरा जिहड़ा वर्तावा है, तेरा जो सिस्टम है, तेरा जो प्रबंध है, वह सारिआं लई है। तू आपे गुरमुख मुक्त कराए, तू आपे मनमुख जन्म पवाए, नानक दास तेरे बलिहार है, सब तेरा खेल दसहरा जियो। अखीर में चौथे पद में पातशाह कहना, तू आपे, हे वाहिगुरु तू आप ही गुरमुख। हुण कई बार ये गल दसी जा चुकी है कि गुरमुख दे दो अर्थ ने। एक है गुरु दी शरण विच पै के गुरु दे उपदेश नूं सुन मन, जिहड़ा इस रस्ते तुरदा फिर उहनूं गुरमुख कहा जांदा। पर तू आप ही कुछ जीवां नूं गुरु दी शरण विच पा के मुक्त कराए। ये जिहड़ा कराए, इहदा उच्चारण भी ध्यान रखना। असीं सिद्धा ही कर दिंदे कराए, नहीं कराए। कक्का रारे नूं राकना इड़ी नूं सियारी हाए नूं सिर कराए। तू आप ही कुछ जीवां नूं गुरु दी शरण विच पा के गुरु दी संगत बख्श के गुरु दे उपदेश राहीं इस माया दे बंधना तों मुक्त करा दें, उन्हां नूं सोझी दे दिंदा। तू आपे मनमुख जन्म पवाए, ते आप ही तू मनमुख, जिहड़े मन दे पिछे तुरन वाले उन्हां नूं जन्म भवाए, जन्म दे मम्मे नूं सहारी है, जन्मां दे विच पवाए पौंदा है। भाव उह तेरे दित्ते होए पदार्थां नाल जुड़ जांदे। सतसंगत पदार्थ माड़े नहीं, देण वाला माड़ा नहीं। गल उदों बिगड़दी है दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरन विचारा। जदों असीं दाता नाल ते प्यार करदे हां, पर जिहड़ा देण वाला उहनूं भुल जांदे। ये भरोसा ही गवा लैंदे हां कि जिसने सानूं पैदा कीता उह साडी पालना भी करेगा। बस असीं उहदियां दित्तियां दातां विच ही लटोपीन हो जांदे, उन्हां नाल अठे पैर जुड़ जांदे, ते जिहड़ा देण वाला उस दी याद भुल जांदी। पातशाह कहिंदे दात प्यारी विसरिया दातारा, जाणै नाहीं मरन विचारा, वस्त पराई को उठ रोवै, कर्म धर्म सगलाई खोवै। फिर लालच वसी हो के परमात्मा तों भरोसा गवा के फिर अपने अपने तरीकियां दे नाल हेरा फेरियां ते ठगियां कर, फिर असीं बंधना विच पै जांदे।
पातशाह कहते नानक दास तेरे बलिहार है, सब तेरा खेल दसहरा जियो। ये नानक दास तेरे तो बलिहार जाता क्योंकि सब तेरा खेल दसहरा जी। मैनू ये जितना भी संसार का खेड है ये तेरा ही बनाया होया नजर आता। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थमेओ पातारा, तब एको एकंकारा। सारी सृष्टि का खेल जो है ये तू आप ही चला रहे। तो इस सारे शब्द विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस वाहेगुरु अकाल पुरख के नाल किवें सीधी गल की है। तू सांझा साहेब बाप हमारा, नौ निद तेरे अखुट भंडारा, जिस तू दे सो तिवते अगावे, सोई भगत तुम्हारा जियो। आओ असी अरदास करिए, हे वाहेगुरु साढ़े ते भी कृपा करो, सानू भी इस तरह का संतोख, इस तरह का विवेक, इस तरह का ज्ञान बख्शना करो, ता जो असी अपनी धर्म की किरत करते हुए नाम जपिए ते वंड छकीए जो गुरु महाराज का उपदेश है। माज महला पंजवां, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सदकेला, सहज गुफा में ताड़ी लाई, आसन ऊच सवारे आजियो। फिर कहर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया, तिपते अगाए रहा है संतो, गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्बाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारे आ जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहा, जितिस रस आया जिन भेद लेहा, ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारे आ जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह दी अपार कृपा दा सदका, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी दी लड़ीवार विचार चढ़दी कला टाइम टीवी राहीं आप श्रवण कर रहे हो। इस विच कोई शंका नहीं कि ज्यों ज्यों संगतां ने इस प्यू दादे दे खजाने नाल जुड़ना शुरू किया है, दास नू अपने आप अते संगतां नू जो आनंद जो रस प्राप्त हो रहा वो अकथनीय है, उस नू कथन नहीं किया जा सकता। जिमें भगत कबीर जी ने कहा, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही। गुड़ तां मिठा ही है, परमेश्वर का ज्ञान तो सदा ही आनंददायक है, पर जिसने इस आनंद माणिया ये उही जानता। तो गुरु पातशाह साढ़े ते बख्शिश करते ने अपना अनुभव ते अपनी कीती हुई कमाई नाल साड़ी सांझ पाते, ते ये भी दसते हैं कि तुसी भी जे इस आनंद माणना चाहो ता गुरु दे दसे राह ते चल के मान सकते। इसे लिए गुरु नानक पातशाह दा वचन है, जोग ना भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठे आं जोग पाई है, सतगुर कह उपदेश। आख्या जोग दा मतलब है जुड़ना, जोगी दा मतलब है जुड़िया होया, पर ये जोग भगवे कपड़िया नाल संबंध नहीं रखता, जोग मैले वेस नाल भी संबंध नहीं रखता।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਦ ਸੀਮਾ, ਅਨਹੱਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰਸਤਾ ਮੁੱਢ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਗੁਆਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਇੱਕ ਰਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਅਡੋਲਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਰਤਬ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ? ਭਾਈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਐੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਂਕੜ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦਕੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇਲਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ।